हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले क्लास में जो है वो कोन के बारे में पढ़ा था कि कोन आखिरकार क्या होता है और कैसे बनता है और इसका क्या क्या फार्मूला है और क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फार्मूलाज, वो सारा कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर जो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हम लोगों का लगभग लगभग ये कह सकते हो कि कोन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही सारा क्वेश्चंस जो है वो आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस मैंने आपके बुक से गणित प्रकाश से लिया है। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो कि कैसे उसको सॉल्व करना है। बाय द वे, सॉल्यूशन सीट जो है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से जाकर आप जो है वो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो आप डाउनलोड नहीं बल्कि देख सकते हो। ठीक है ना, तो आप डाउनलोड तो नहीं कर सकते हो बट वहाँ पे जाकर आप पूरा सॉल्यूशंस देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस जाकर आप देख लो कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अदरवाइज मेरे को पता है कि आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप खुद से भी सॉल्व कर लोगे, आपको सॉल्यूशन सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कहीं कहीं पे अगर आपको डाउट है तो आप उसका हेल्प ले सकते हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम गवाए हम लोग एक काम करते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर गणित प्रकाश बुक। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार आप भी पढ़ो, एक बार मैं भी पढ़ता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आमिना, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन है यहाँ पे जो कि जिसका नाम है आमना, ठीक हैज़ ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ किया, तो हम लोगों को भी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि आमना ने भी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ किया है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल आई होप सो के परफेक्टली ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बस साइड जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्योंकि वो परफेक्ट स्केल से नहीं हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देखें तो नेक्स्ट क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जिसका लेंथ ऑफ टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को अच्छे से आप समझो कि इस लाइन में क्या बोला गया है। ये जो बोला गया है टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब समझो। एडजेसेंट का मतलब आप सिंपली समझो कि सटा हुआ। ठीक है, सिंपल अगर समझना है तो ये जो है वो हमारा मान लो राइट एंगल है। ठीक है, तो इस राइट एंगल से जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दो साइड जो है वो अटैच है, एक ये साइड दिख रहा है आपको और दूसरा ये साइड दिख रहा है। ठीक है, तो यही वो दो साइड है जो कि राइट एंगल के, यानी कि ये जो राइट एंगल बन रहा है इसके एडजेसेंट है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आमिना हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों में से, यानी ये और ये, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो 15 सेंटीमीटर का है और कोई एक ऐसा है जो 20 सेंटीमीटर का है। बट अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि बेस आपका 20 सेंटीमीटर है या फिर हाइट आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे को क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पहले देखते हैं शायद वहां पे लिखा रहे कुछ। तो लिखा है लेट अस डिटरमाइन द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको पहले अच्छे से यहां पे अंडरलाइन कर लो। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और उसके बाद वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, तीनों का तीनों हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, of the solid which is formed by taking the side of length 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे curve surface area, total surface area और volume हमें उस solid का निकालना है जो solid बनाया गया है इस वाले side को लेकर। ठीक है, अभी तक हम लोगों को exact information नहीं मिला है, आगे पढ़ते हैं। which is formed by completely revolving the triangle, ठीक है, तो ये जो solid form हो रहा है, ये जो solid के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ये solid जो form हो रहा है ये कैसे form हो रहा है, इस triangle को revolve करवाने पे। ठीक है, इस triangle को revolve करवाने पे form हो रहा है, तो either ऐसे revolve करवा सकते हैं इसको या फिर इसको ऐसे रिवॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि रिवॉल्व कैसे करवाना है इसको। तो बोला गया है यहाँ पे कि विच इज़ फॉर्म्ड बाई कम्प्लीटली रिवॉल्विंग द ट्रायंगल वंस अराउंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमने जो रिवॉल्व करवाया है वो कौन से साइड से रिवॉल्व करवाया है, तो हम लोगों ने जो है वो 15 सेंटीमीटर जो साइड है उसको हमने एक्सिस ले लिया है, उसके बाद रोटेशन करवाया सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसका एक्सिस जो है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर वाला साइड है। यानी कि कहीं ना कहीं जो 15 सेंटीमीटर वाला साइड हमारा होगा दैट शुड बी फिक्स्ड। ओके, वो इधर उधर चेंज नहीं होना चाहिए।
क्लियर है? तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर वाले साइड से रिवॉल्व करवा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो साइड है दिस इज 15 सेंटीमीटर, ओके? और इसी साइड के अलॉन्ग क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ओके? अब आप खुद से, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कल के क्लास में, और या फिर मैं सिंपली कहूँ कि कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करवाते हैं तो बेसिकली वही हमारा कोन जो है वो फॉर्म करता है, सिंपल। तो इसको जब हम लोग रोटेट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करने के बाद, अगर सिंपल मैं इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो ये रोटेट करने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा डायग्राम इसका फॉर्म होगा। ये वाले लाइन को थोड़ा और स्ट्रेट लेकर चलते हैं। अब शायद थोड़ा थोड़ा परफेक्ट जा रहा है बिना स्केल का भी ना। तो चलो, इस तरीके से जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड फिगर बनेगा इस वाले को रिवॉल्व करवाने पे, इस ट्रायंगल को रिवॉल्व करवाने पे, ठीक है? अब अच्छे से अगर आप ध्यान दो तो आपको वहाँ पे दो साइड्स बोला था। पहले तो इसको ऐसे कर देते हैं कि इससे ये चीज़ बना हुआ है, ये याद रखना आप, और बाकी ये सारा चीज़ का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको फटाफट से यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे हमारा दो साइड था, एक तो था 15 सेंटीमीटर, दूसरा जो एडजेसेंट साइड था राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि ये जो राइट एंगल है इससे जो दूसरा एडजेसेंट साइड था दैट वाज 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इफ वी हैव टेकन 15 सेंटीमीटर दिस साइड, देन वी हैव टू टेक 20 सेंटीमीटर बेस, ओके? तो यहाँ पे हम लोग इसको 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं, यानी कि जो हमारा बेस है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 सेंटीमीटर को हमने ले लिया है यहाँ पे हाइट, ओके? क्लियरली ये चीज़ समझो। अब एक चीज़ और यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट मैं आपको अंदर क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि इसको हम लोग ऐसे भी रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है ना? तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमें ये वाला चीज़ 15 सेंटीमीटर लेना होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सिस है रोटेशन का दैट शुड बी 15 सेंटीमीटर, ओके? तो इसीलिए अगर हम लोग इस वाले जगह से आप रोटेट करवाना चाह रहे हो तो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो इसको 15 सेंटीमीटर लेना होगा, ठीक है? बट चूंकि मैं आपका यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ ऊपर वाले केस में, तो हमारा 15 सेंटीमीटर जो है वो ये वाला हाइट रहेगा, एंड दिस शुड बी 20 सेंटीमीटर, ओके? तो अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझो तो जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास था उसमें, कि ये जो है वो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें जो ये वाला चीज़ है, ये हमारा जो टॉप वाला चीज़ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है? तो मैं अगर इसका नाम दे दूँ ए बी सी, ठीक है? तो यहाँ पे जो ए बी है दैट इज़ हाइट, ओके? ए बी इज़ इक्वल्स टू हाइट, HEIGHT, ओके? हाइट हो गया हमारा, ये हाइट कितना है हमारा यहाँ पे, हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे वाला चीज़ है, यानी कि जो बी सी है यहाँ पे, वो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, इस वाले केस में बी सी क्या दिख रहा है भाई, इस वाले केस में बी सी जो है वो अपने को रेडियस दिख रहा है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ बी सी जो है वो हमारा रेडियस है, और दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ओके? अच्छा, पूछा क्या गया है, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ, सी एस ए भी लिख सकते हो आप, कर्व सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म, मैं यहाँ पे कर्व्ड एस ए लिख दे रहा हूँ, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि पाई आर एल होता है, बट अगर आप अच्छे से देखो इस वाले चीज़ को तो डेटा हम लोगों को दिया हुआ नहीं है। लेट मी चेंज द कलर, ओके? तो डेटा हम लोगों को हाइट का दे रखा है यहाँ पे और रेडियस का दे रखा है, बट हमें एल नहीं पता है, ये वाला चीज़ नहीं पता है। तो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कि एल हम लोग कैसे निकालेंगे, बेसिकली वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, सिंपली। अब यहाँ से हम लोग एल स्क्वायर इजिली निकाल लेंगे कि एल स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और एच स्क्वायर हमारा क्या है, हाइट का स्क्वायर, दैट इज 225, 15 का स्क्वायर 225, रेडियस का है हमारा 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा अंदर में 625, और रूट 625 का मतलब क्या होता है हमारा 25, तो क्या निकला यहाँ से हमारा 25 सेंटीमीटर जो है वो एल है, ओके? और रेडियस हम लोगों को पता है कितना है भाई, रेडियस हम लोगों का है 20 सेंटीमीटर। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये जो इसका बेस होता है यही बेसिकली रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये क्या हो रहा है हमारा 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारा 20, इंटू एल का वैल्यू क्या है हमारा 25, ठीक है? अब इसको आप कैलकुलेट करो फटाफट से, इसको मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके देखो कि एग्जैक्टली आ कितना रहा है, ठीक है? तो 11,000 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका आ रहा है 1571, ठीक है? ये आ रहा है आपका 1571.42, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है दिस इज़ अप्रॉक्स वैल्यू,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, एग्जैक्टली इतना नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने क्या निकाला अभी, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद क्या निकालना है हमें, इसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने आप लोग कल बताया था वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा, यानी पाई आर एल प्लस फाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दोनों को मिलाकर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, लॉजिकली यहाँ पे सोचना है। तो पाई आर एल का वैल्यू जो है वो आपने ऊपर से निकाल लिया है, दैट इज़ 1571। तो इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। अच्छा, पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा, 20। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। ओके, अब फटाफट से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 22 इंटू 400। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है हमारा, 7। तो कितना आ रहा है, 1257.14। तो ये वाला वैल्यू थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं, 1571.42 ये हो गया हमारा। प्लस ये वाला चीज़ क्या है हमारा, 1257.14। ओके, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, एक तो बेस एरिया और प्लस ये क्या है हमारा, क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो वही हमारा क्या यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये मैं शायद बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से आप देखो, और कोई इशू अगर आप लोगों को हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखने वेखने में कर्सर वगैरह में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बताना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ना कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने में तकलीफ़ हो रही होगी, आई नो, बट थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट इसका कोई अच्छा सोल्यूशन दिखा नहीं है अभी तक मुझे। खैर, तो यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, कैलकुलेट करने से हमारा क्या आएगा, 1571.42 हो रहा है प्लस 1257 पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, 14। ओके, जब इन दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है 2828.56। ओके, ये वैल्यू आ रहा है, और ये वैल्यू जो है वो क्या है हमारा, अप्रॉक्स है। ठीक है, ये जो वैल्यू आया है 2828.56, ये अप्रॉक्स है। ओके, और ये क्योंकि एरिया का यहाँ पे भी मैं लिखना भूल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आया हमारा, 2828.56 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स लिखना बिल्कुल मत भूलना आप, क्योंकि आपने परफेक्ट नहीं निकाला है, परफेक्ट निकालोगे तो कुछ फैक्टर में आएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हमने क्या निकाला है, 1571.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों का यहाँ पे मिसिंग है, वो चीज़ क्या है, दैट इज़ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला और कुछ नहीं बल्कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या, 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे, 400 सिंपली मैं कह सकता हूँ, इंटू एच का वैल्यू क्या था हमारा, हाइट कितना है, 15 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब फटाफट से इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आप ये देखो कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, 3/5 या 15, ये नॉर्मल कट गया। ओके, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 22 इंटू 400 इंटू 5 आपका हो गया 44,000, और डिवाइडेड बाई 7, तो 6285 के समथिंग अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, 6285.71। ठीक है, अब कैलकुलेशन एरर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो, आपको दिख रहा हो, तो आप उसको सही कर देना, बट आई थिंक सो कि ये करेक्ट है। तो ये रहा आपका अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू आया है ये हमारा क्या आया है, वॉल्यूम का वैल्यू आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया हमने, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया हमने, वॉल्यूम निकाल लिया हमने, यानी एक क्वेश्चन और तीन निशाना हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना आ गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना आ गया, वॉल्यूम निकालना आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई और क्वेश्चन है जिसमें इंडिविजुअली ये सब पूछेगा तो आप उसको जो है वो इजीली आई थिंक सो कि आप निकाल पाओगे। ओके, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद एक और क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है बट आप लोग थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 77 स्क्वायर मीटर टारपॉलिन। अब इसको टारपॉलिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिंपली समझो ना कि त्रिपाल वगैरह आप जानते हो, बड़ा सा ऐसा, आप सिंपली अगर इसको समझना चाहो तो ये तो बेसिकली होता है त्रिपाल, जो कि बेसिकली बना हुआ होता है आपका प्लास्टिक वगैरह से। ठीक है, प्लास्टिक, बहुत बड़ा प्लास्टिक आप समझ सकते हो सिंपली। ठीक है,
त्रिपाल जिसको बोलते हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। जो त्रिपाल से भी कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो एक बारी, और जिसको त्रिपाल का मतलब समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बारी चेक कर लो, शायद कोई बच्चे ने अच्छा लिख दिया होगा वहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली समझो ना, एक बड़ा सा क्लोथ है, ठीक है, तो हम लोगों को जो है वो एक क्या बनाना है, राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है भाई, टेंट बनाना है। हम लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं रात में, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग टेंट बनाकर वहाँ पर रहना चाह रहे हैं, सिंपल। ओके, अब टेंट बनाकर रहना चाह रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा क्लोथ है, और वो क्लोथ कितना है, वो क्लोथ है हमारे पास 77 मीटर स्क्वायर। ओके, और हम लोग 77 मीटर स्क्वायर का यूज़ कर कर क्या कर रहे हैं, टेंट बना रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि वो जो टेंट बना रहे हैं उसमें हम लोग वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा भी जो उसमें कपड़ा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कि वेस्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोगों का इस कपड़े से हम लोग बनाएंगे। अब देखो, जब हम लोग किसी त्रिपाल से बना रहे हैं तो वो त्रिपाल हम लोग ये ग्राउंड में नहीं बिछाएंगे, ठीक है, वो त्रिपाल हम लोग ग्राउंड में नहीं बिछाएंगे, वो त्रिपाल से सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टेंट है हमारा ये बनेगा। ओके, तो सबसे पहले तो इसको मैं एकदम अच्छे से बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा 3D वाला फीलिंग आ जाए। ओके, थोड़ा सा 3D वाला फीलिंग आ जाए, जब तक जुगाड़ लगाकर 3D हम लोग चलाते हैं कुछ दिन तक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये 77 मीटर स्क्वायर त्रिपाल आ रहा है, यानी कि त्रिपाल चाहिए हमें पूरा बनाने के लिए। ओके, तो इसको हटा देते हैं, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, त्रिपाल हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ क्या कि स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, यानी कि ये वाला चीज़ आपको दे रखा है 7 मीटर। स्लैंट हाइट का मतलब अब तक आप लोग शायद समझ गए होंगे। उसके बाद दे रखा है कि देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट, यानी कि ये जो बेस है इसका एरिया क्या होगा, यही आपसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, बेस का एरिया क्या होगा। अब सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो बेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, वो आप सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो, और आप लोगों को मैक्सिमम बच्चों को ये पता है कि बेस एरिया क्या होगा। बेस एरिया पता है आपको कि पाई आर स्क्वायर होगा। बेस एरिया मतलब क्या, कि सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर है। ओके, बट कन्फ्यूजन ये है भैया कि देखिए पाई आर स्क्वायर पूछा है लेकिन दिया हुआ है हम लोगों को क्या भाई, एल का वैल्यू दिया हुआ है और आर का वैल्यू है नहीं, तो फिर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये सवाल है हमारा। तो देखो एक चीज़ अच्छे से देखो, ये वाला जो चीज़ आप लोगों को दे रखा है ये क्या है, ये अगर मैं बोलूँ तो ये बेसिकली आपको दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, यानी आपको पाई आर एल का वैल्यू दे दिया है, पाई आर एल का वैल्यू आपको दे दिया है। अब बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत हो, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, देखो त्रिपाल जो हम लोगों को लगा है वो किस चीज़ में लगा है, इस वाले चीज़ को बनाने में लगा है ना, ये वाले चीज़ को बनाने में त्रिपाल लगा है, यानी कि त्रिपाल का जो एरिया है वही आपके टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो एक दूसरे के बराबर है, सिंपल समझो। अब इस वाले चीज़ से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो क्या हो रहा है, पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 77 हो रहा है। ठीक है, अब पाई का वैल्यू आपको पता है, झट से यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर दो। आर का वैल्यू पता है क्या, पता रहता तो इतना थोड़ी इधर उधर करते भैया, झट से वैल्यू डालते हम लोग यहाँ, वॉल्यूम और बेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता है। एल का वैल्यू हाँ पता है, इज इक्वल्स टू 77, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 77 भाई अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ से काट देते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, आर इज इक्वल्स टू हो गया 77 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको अगर आप देखो तो 2 11 जा 22 कट गया और 7 11 जा 7 हो गया, यानी कि जो आर का वैल्यू आपका निकला है दैट इज 7/2। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम लोग 7/2 मीटर ही रहने देते हैं, इसको चेंज यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि यही वैल्यू। अच्छा एक काम करते हैं, बहुत हो गया हमारा ग्रीन कलर, वापस से वाइट कलर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। पाई का वैल्यू क्या है भाई, 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या निकाला हमने, 7/2, और 7/2 एक बार और कर देंगे तो क्या हो गया हमारा, ये टोटल आर स्क्वायर हो गया सिंपली। तो अब देखो ये 7/7 यहाँ से आराम से कट जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। ये 2 और ये 2 यहाँ से जाएगा तो 11, ठीक है, 11 2 जा 22 सिंपली। अब हमारे पास बचा क्या, बचा कुछ नहीं भैया, बच तो सिर्फ यही गया है कि 77/2 बचा है। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा हमारा, 3 2 जा 6 बच गया 17, 8 2 जा 16 पॉइंट बच गया 10, और 5 2 जा 10 एंड वी आर डन। ओके, तो ये हमारा निकल गया बेस एरिया, सिंपल था ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग बेस एरिया निकाल लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये लगाना था आपको कि ये वाला जो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ नथिंग बट द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर टेंट। ओके, ये आपको यहाँ पे सोचना था, दैट्स इट। आई होप सो कि ये दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया मिला हो कि बाकी सब क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है फटाफट से कमेंट में लिख डालो कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जल्दी से बना दीजिए, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करूंगा एक और वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए, कोन के ऊपर, और उसमें आप लोगों का वो वाले क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व किया जाए। एक और चीज़ आप लोग ये बताओ कि पार्टनरशिप बिजनेस पहले स्टार्ट किया जाए या पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पहले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाए या फिर
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए, ये आप लोग थोड़ा सा मुझे एक बार बता दो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस में या फिर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? बिकॉज़ इसके अलावा बाकी सारा कुछ हम लोगों का मैथ में कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? तो यही बचा हुआ है, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस दोनों में से कौन सा चाहिए, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट वगैरह बच गया है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको वहाँ पर मैं आंसर दे दूँ, और फटाफट से इसका सोल्यूशंस अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर सोल्यूशंस को देख सकते हो, बट पहले आप खुद से बनाना, अगर नहीं बने कहीं अटक जाओ तो जाकर सोल्यूशंस को चेक करना, ठीक है? बाकी सारे चैप्टर का सोल्यूशन देखने के लिए आप जस्ट conceptera.in पे जाओ वेबसाइट पे, और आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, conceptera.in, ठीक है ना? conceptera.in, ओके। ये इतना करना है बस आपको, गूगल पे जाकर ये सर्च करो, आपको conceptera.in मिल जाएगा, और आपके जो भी प्रॉब्लम उसका हल वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखना और डिस्ट्रैक्ट मत होना, अभी पढ़ाई आप करते रहो, ठीक है? किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ वो शायद आप समझ रहे हो थोड़ी बहुत, ठीक है ना? क्योंकि आपका एग्ज़ाम वगैरह का टाइम अभी इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, कब क्या होगा किसी को कुछ भी अभी नहीं पता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, थैंक यू।